करिए। मैं लोचन सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आल जम्मू कश्मीर कार एसोसिएशन उधमपुर। ये हमारी स्ट्राइक जो है वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू में थी। हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के दो पुकारियों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। उनका कोई कसूर नहीं था, उनके पास से कुछ हासिल नहीं हुआ, उनके पास से कुछ ऐसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले। उन्होंने एक जमाबंदी लिखने के लिए एक प्राइवेट जो रिटायर गिरदौर जा नायब तहसीलदार से उनके पास रखी थी, उनके पास बैठकर वो काम करते थे। हमारे पास ना तो पटवार खाने हैं ना हमारा कोई ऑफिस है, तो हमने उनके घर के पास उनके घर में ही एक रिकॉर्ड उन्होंने रखा था लिखने के लिए। और उसके बाद डिपकाम साहब ने एक ओपन FIR कोई लगाई हुई 2-4 महीने से, तो जिस बंदे को भी वो पुलिस वाले उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। रिकॉर्ड लेकर कोई पटवार खाने से कहीं इलाके में जा रहा है उसको भी उठा लेंगे। हमारे साथ वो जाती हो रही है और उन पटवारियों का कोई कसूर नहीं पाया गया। उन रिकॉर्ड अगर कोई खोया है तो वो 80 में खोया है या 85 में गायब हो गया है। रोजनामचा वाकयाती पर जब कोई पटवारी चार्ज लेन देन करता है उस पर हर एक रजिस्टर हर एक जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है वो लिखा जाता है कि जो हमें मिला है वो आगे भी उसी तरीके से देता है। लेकिन जो अब 19 में या 18 में या 17 में जो पटवारी भर्ती हो रहा है उसका उसमें क्या दोष है? उसका दोष देखो कि जिस वक्त वो गायब हुआ है उसके ऊपर FIR लगाओ। अगर FIR फिर भी लगाते हो तो उस आदमी के ऊपर लगाओ, उसकी इंक्वायरी करो, डिपार्टमेंट इंक्वायरी करो कि भाई इसका कसूर है या नहीं। अगर उसका कसूर पाया जाता है तो उसके ऊपर FIR लगाओ, उसको बंद कर दो। ऐसे किसी को अपने दफ्तर से उठाकर हवालात में बंद कर दोगे? ये हमारे साथ जाती हो रही है। डिपकाम साहब ने जो एक अड़ियल रवैया जो है वो तानाशाह वाला रवैया अपनाया है उसके साथ हम बहुत खिलाफ़ हैं, क्योंकि हम बहुत देर से बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे लोगों ने जमाबंदियाँ जो हैं वो कम से कम 50 साल की पुरानी जो जमाबंदी 4 साल के बाद लिखी जाती है, 50 साल तक आज तक वो जमाबंदी नहीं लिखी गई। हमारे नए लड़के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, पुराने लोगों से रहबरी ली है, उसके बाद वो जमाबंदियाँ तहरीर हुई हैं। लोगों का रिकॉर्ड जो है वो साफ शफाफ बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर इस तरीके से गाज गिराई जाती है कि हमें चोर की नजरी से देखा जाता है। और हमारे ऊपर फिर पुलिस को बिठाया जाता है कि आप चोर के ऊपर, ये चोर है इनके ऊपर मोर बिठा दो। इस तरीके का जो हमारे साथ जो बिहेव जो अफिसरान वाला से हो रहा है वो हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर हमारा कोई पटवारी अगर कोई गलत करता है तो उसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, एक डिपार्टमेंटली इंक्वायरी सेल बनाया गया है, उसमें इंक्वायरी करो, उसके बाद उसके ऊपर FIR लॉन्च करो अगर वो कसूरवार पाया जाता है। अगर कसूरवार नहीं पाया जाता तो उसको फ्री कर दो। तो ये जो भैया इस खातर जो हमने जो स्ट्राइक दी वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, आज जो हमारे प्रोवेंशल प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पूरे जम्मू प्रांत में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर हम लोग स्ट्राइक पर बैठे हैं। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता तब तक हम अपनी स्ट्राइक पर डटे रहेंगे।